हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस गेम प्ले वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट एक प्रॉब्लम है, हम माइनक्राफ्ट बीटा वर्जन खेल रहे हैं। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बीटा वर्जन। बिकॉज हर यूट्यूबर या तो जावा एडिशन या तो टेल्स एंड ट्रेल्स या तो बेडरॉक एडिशन पे बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ सीधा बीटा वर्जन पे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बीटा वर्जन पे अपना सर्वाइवल सीरीज। तो सबसे पहले हम अपने सर्वाइवल सीरीज वाले वर्ल्ड का नाम रखेंगे प्राधिका सर्वाइवल अजूबा इन माइनक्राफ्ट। प्राधिका सर्वाइवल अजूबा इन मिनी क्राफ्ट। हाँ गाइस, मिनी क्राफ्ट सही रहेगा। इतना ही लिख सकते हैं क्या? मिनी प्राधुक प्राधिका सर्वाइवल अजूबा मिनी। डिफिकल्टी हम लोग रखेंगे बस इजी रखना है अभी, क्योंकि अभी मैं हूँ NOOB नूब, तो नूब लोग तो इजी भी खेलते हैं ना। वैसे तो मैं बहुत हूँ पीसफुल पे खेलता हूँ, लेकिन यूट्यूब को पता नहीं चलना चाहिए। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये चलिए गाइस अपना सर्वाइवल अजूबा स्टार्ट कर। कहाँ पे स्पॉन मिल गया? क्यों यहाँ पे स्पॉन मिल गया गाइस? मेरे को सबसे घटिया बायोम लगती है ये वाली। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ खाने को भी नहीं है, ना पेड़ है ना खाने को कुछ है। कोई तो मेरे को यहाँ से निकालो, भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं भाग रहा हूँ, यहाँ पे खाना भी नहीं है कि अगर हेल्थ बंदे की कम हो जाए तो कुछ हम लोग खा पाए, इसलिए यहाँ से तो निकलना ही होगा। सामने कुछ पेड़ दिख रहे तो मैं फटाफट से भागते हुए जाता हूँ, उन पेड़ों को काटेंगे। यस, ये सबसे ऊंचा पेड़ लग रहा है तो इसी को काटेंगे। फटाफट से कट जा भाई, कट जा कट जा। इतनी देर में दो दो लकड़ी के टुकड़े कटे हैं। पूरा पेड़ काटने को कितना टाइम लगेगा? फटाफट से कट जा कट जा कट जा कट जा। ओके, अभी इससे 8 planks मिले। फटाफट से इन 8 planks को वुड बना लेता हूँ। 32 woods बन गए हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल और इतनी स्टिक्स बना लेते हैं। ऊपर से क्या गिरा भाई? मेरे को पहले स्वॉर्ड एक्स एंड देन पिक एक्स बनाना है। बाकी की चीज़ें रख लेते हैं ताकि बाद में काम आ सके। एंड अब चलते हैं फटाफट से, तोड़ते हैं अपना क्राफ्टिंग टेबल। एंड कम से कम हमारे पास बेसिक टूल्स तो आए, नहीं तो हमें कोई भी ऐसे ज़ॉम्बी रात को आके मार के चला जाता और हमारा को कुछ कर भी नहीं पाते हम। एंड यहाँ से बायोम से बाहर निकलने का रास्ता तो मेरे को भी मिल नहीं रहा। तो कोई विलेज भी मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी फूड की कमी है और मेरा सेकंड टास्क यही है कि मेरे को फूड इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब फूड मेरे को चाहिए होगा।
अगर मेरे को सरवाइव करना है, क्योंकि मेरे 2 हंगर बार ऐसे ही कम हो चुके हैं और अब बचते हैं बस 8 हंगर बार्स। और भूख गाइस बताइए आपको कैसे लगती है, मतलब 5 हार्ट मेरे चले जाएंगे और 5 हार्ट पे मैं क्या ही टिक पाऊंगा किसी मॉब के सामने। कोई भी मॉब आके मेरे को मार के चला जाएगा, मतलब स्केलेटन, अगर स्केलेटन दूर से मारने के लिए आया, मतलब एकदम कमांडोस की तरह वर्क किए कि स्केलेटन दूर से मार रहा है, ज़ॉम्बी पास से मार रहा है, तो ऐसे तो मैं गाइस बेसिक टूल से अपना कितना ही बचाव कर लूँगा। फिलहाल तो मेरे को अभी कोल मिल चुके हैं, तो फटाफट से मैं कोल माइन कर लेता हूँ, क्योंकि कोल माइन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी से स्पॉन होते हैं तो मेरे को अंधेरे में देखने के लिए कुछ चाहिए होता है। फिलहाल वो सामने क्या चीज़ है, चल के देखते हैं। फटाफट से पहले मेरे को खाने का इंतजाम भी मिल चुका है। यहाँ कौन था, ये क्या है, पोलर बियर का बच्चा? पोलर बियर का बच्चा मेरे को क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ेगा रे तू? मैं अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगा। क्या, किसको बुला के लाएगा, सुनाई नहीं दिया, छोड़ो गाइस इसको छोड़ते हैं। ऊपर मेरे को कुछ खाने की चीज़ दिखा था, तो फटाफट से भागते हुए चलते हैं उस खाने की चीज़ को खाने के लिए ही। कहाँ गई मेरी खाने की चीज़, चली गई। फटाफट से कोल माइन कर लेते हैं, कोल माइन करने के बाद हम स्टोन भी माइन कर लेंगे। आफ्टर माइनिंग स्टोन वी विल माइन, वी विल क्रिएट स्टोन टूल्स। बट अभी तो मेरे को पिगी चाहिए, पिगी 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 खाना चाहिए मेरे को। चलो भाई साहब, कोल तो मैंने 10 कोल इकट्ठा कर लिया है, बट जितने कोल अभी इकट्ठा कर सकता हूँ इस पिकेक्स से कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मजदूरी में भी बहुत ज़्यादा हंगर बार्स जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही जाते रहे तो मैं टपक जाऊंगा। ये 14 कोल बार हमें मिल चुके हैं, बट अभी हमें कोल्स नहीं चाहिए, खाना चाहिए। फटाफट से स्टोन माइन कर लेते हैं, फर्स्ट 3 स्टोन चाहिए होंगे हमें एक्स के लिए, सेकेंड 3 स्टोन चाहिए होंगे हमें अपनी पिक एक्स के लिए, देन फिर 2 चाहिए होंगे हमें अपनी स्वॉर्ड के लिए, बाकी के ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्टोन्स चाहिए होंगे हमें फर्नेस के लिए। तो गाइस चीज़ें तो मैंने माइन कर ली है स्टोन्स, अब बस मेरे को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें डंडियाँ क्रिएट करनी होंगी, तो जितनी डंडियाँ क्रिएट कर सकते हो उतनी कर लेता हूँ, बट थोड़ी सी छोड़ भी देता हूँ, 2 3 लैडर भी क्रिएट कर लेता हूँ, एंड पिकैक्स विकैक्स भी क्रिएट कर लेता हूँ, एंड फर्नेस भी क्रिएट कर लिया, एक चेस्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। सारी काम की चीज़ें गाइस मैंने क्रिएट कर लिया, मैं क्या लू बढ़ाऊँगा इसमें, पिकैक्स से वुड की चीज़ तोड़ रहा हूँ, वाह। एंड गाइस हमारी वुड एंड एक्स की हेल्थ आप देख ही सकते हैं। अब गाइस थोड़ा सा हम बेसिक से थोड़ा सा बस ऊपर उठे हैं, एंड ये रही गौ माता जी यानी वुड, तो एक दो एंड गौ माता गई, बट फूड फूड बाय सब, बहुत टाइम बाद हमें फूड मिला है, थोड़े टाइम बाद इस फूड को हम कुक करके खा लेंगे, क्योंकि कुक्ड फूड खाने से हमारी हेल्थ ज़्यादा बढ़ती है।
फिलहाल तो अभी यहाँ पे मेरे को और खाना मिल गया, तो ये चिकन चिकन गई, यहाँ पे ये दूसरी चिकन भी गई। अब हमें और थोड़ा सा फूड ढूंढना होगा, और कि कोई सा और ट्री शीप्स ढूंढनी होगी ताकि हम रात में सो सकें। तो फूड का तो इंतज़ाम हमारा अच्छा खासा हो चुका है, बहुत सारा फूड हमें मिल चुका है। मेरी वन एक और गाय, तो फटफट इसको भी मारते हैं। एंड गाइस, फूड तो हमें मिल चुका है अच्छा खासा है, बट अभी तक हमें अपना घर नहीं मिला है। तो अपना घर बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होंगे मटेरियल्स, और मटेरियल्स हमारे पास अभी के लिए तो है नहीं, तो फटाफट से चलते हैं मटेरियल्स इकट्ठा करने। बट अभी मटेरियल्स ज़्यादा हम इकट्ठा तो कर नहीं पाएंगे। तो गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ स्टोन का नॉर्मल सा घर बना लेते हैं। एंड ये रही हमारी फर्स्ट शीप, तो इसको भी मारते हैं फटाफट से। इसको फर्स्ट शीप को तो मैंने मार दिया है। अब फटाफट से स्टोन को इकट्ठा करते हैं ताकि हमारा घर बना पाए हम लोग। तो गाइस, फटाफट से जितनी इस पिकेक्स में जान है उतना स्टोन इकट्ठा करने की करते हैं हम लोग, क्योंकि गाइस एक घर बनने में बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा स्टोन लगता है, आपको भी पता होगा। और फिर वुडन एक्स ख़त्म हो जाएगी, तो स्टोन एक्स से भी मैं खुदाई करने वाला हूँ। फिलहाल तो गाइस रात होने वाली है, रात में किधर गुजारूँगा कुछ अता पता नहीं है। रात उजाड़ने के लिए गाइस मेरे को सिंपल एक गड्ढे के अंदर जाना पड़ेगा, और उस गड्ढे के अंदर पता नहीं कौन कौन से सांप बिच्छू रहेंगे। गाइस, ये माइनक्राफ्ट में फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम खेल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक माइनक्राफ्ट सीरीज़ बना के रखी थी, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और एक और शीप मुझे मिल चुकी है, काश गाइस ये शीप ना जाए यहाँ से और मेरे को एक और शीप मिल जाए। ये फर्स्ट एक शीप तो है, इसको फटाफट से हम लोग चल के मार देते हैं। मर जा मर जा। हाँ गाइस, ये शीप तो मर चुकी है। एंड गाइस, अभी हमें एक और शीप चाहिए होगी ताकि हम अपना बेड बना पाएँ और उस पर सो पाएँ, क्योंकि रात भी गाइस हो चुकी है ऑलमोस्ट 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 का क्या क्या गाइस, रात तो हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं, ज़मीन के डाउन टू अर्थ चलते हैं और नीचे जाके कुछ प्लानिंग व्लानिंग करेंगे, जो सोचना है वो सोचेंगे, बट सबसे पहले हमें खुद सेफ होना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूँ इधर, तोड़ा ताड़ी करके। एंड टूट जा, ये कॉपर भी तोड़ना है हमें, यहाँ पे भी तोड़ा ताड़ी करनी पड़ेगी। छोटा सा मतलब छोटी सी गुफा बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे रहने के लिए, एक रात गुजारने के लिए एक छोटी सी गुफा बना रहे हैं। तो आज हमारे पास 48 48 मतलब 48 48 स्टोन कलेक्ट हो चुका है। एंड अब ऐसा करते हैं, फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं एंड कुछ कुछ क्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले तो गाइस मेरे को अपना फर्नेस भी रखना होगा। फर्नेस किधर गया, ये रहा फर्नेस। फर्नेस भी लगा देता हूँ। फर्नेस में मैं अपना कोल और कुक होने के लिए फूड डालता हूँ, जिससे रोशनी भी होगी एंड मेरा काम भी होगा। रात तो मेरे को इधर ही गुजारनी होगी गाइस, बट अब क्या ही कर सकता हूँ मैं, रात मेरे को इधर ही गुजारनी पड़ेगी। तो फटाफट से थोड़ा फूड खा लेता हूँ। गाइस, आप मेरे हंगर बार को ज़रा चेक करिए, मतलब मेरे फोर एंड हाफ हंगर बार चले गए हैं। तो आज की वीडियो हमें इधर ही एंड करनी है। मैं मिलता हूँ, आप इस वीडियो का लाइक है, मैं रखता हूँ 10 लाइक्स एंड नहीं 12 लाइक्स। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।